हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे यूट्यूब चैनल के बैनर कैसे बनाए या हमारे यूट्यूब चैनल का आर्ट कैसे बनाए। तो इनके लिए आपको बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे इमेजेस डाउनलोड करके रखने जो इजीली गूगल पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। मैंने तो बहुत सारे अवेलेबल जो इमेजेस है वो वहाँ से डाउनलोड किए हैं, और कुछ हमारे भी PNG आपको बना के रखने जो कि हमारे चैनल आर्ट या चैनल बैनर बनाने में काम आएंगे। तो सारी जानकारी वीडियो के अंदर मिलेगी, तो वीडियो के अंदर बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेना हमारे मोबाइल फ़ोन में। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, ये जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है यहाँ से मैं ओपन कर ले। और उनके बाद में यहाँ पर आप एक इमेज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमें गैलरी से एक इमेज को सेलेक्ट कर लें। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ से हमें एक इमेज को सेलेक्ट कर लें। यहाँ इस इमेज को सेलेक्ट किया और राइट पर हमें क्लिक कर देना। नेक्स्ट को यहाँ से हमें डिलीट कर देना है और वापस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। फॉरम गैलरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से गैलरी ओपन हो गए। यहाँ से ये वाला इमेज आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। यहाँ पर यूट्यूब बैनर लिखना इमेजेस, यहाँ पर ये वाला इमेज मिल जाएगा और इसको आप डाउनलोड करके रखना है। इस प्रकार से अभी इसको सेटिंग कर देते हैं। देन उनके बाद में फॉरम गैलरी पर वापस क्लिक करना है और यहाँ से एक इमेज को सेलेक्ट कर गए। यहाँ से ये वाला इमेज यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया और उनके बाद में यहाँ पर सेट कर देना। और इसी प्रकार से हमें यहाँ से इसका लोगो का इमेज लगे, यहाँ से भी राइट पर क्लिक करेंगे और इस लोगो का इमेज हमें बीच में लगा देंगे। यहाँ से राइट पर क्लिक किया और इसको थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ से छोटा कर देते। उनके बाद में इसको बीच बीच में लगा देंगे यहाँ से इस प्रकार से। अब हमें पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक किया और हमें इस यूट्यूब चैनल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से मैं टाइपिंग कर देता हूँ। इस प्रकार से हमें टाइपिंग करना है और ओके पे क्लिक कर देना। जैसे कि यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक किया और यहाँ पर इसको सेटिंग कर देते इस तरह से। इस तरह से हमें सेटिंग कर देना। और अब हमें एक फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ से फॉन्ट वाले पे क्लिक किया और यहाँ से एक फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि ताकि अच्छा हमारा नाम दिखे। यहाँ से स्क्रॉल करते और यहाँ पर आपको एक फॉन्ट दिखा रहा है ये वाला, इसको सेलेक्ट किया मैंने और इनको लॉक कर देते हैं। उनके बाद में यहाँ पर इसको अनलॉक करते हैं वापस से, इसको सेटिंग करना थोड़ा इधर से। और इनके बाद में यहाँ पर इसको भी लॉक कर देते हैं और वापस पेंसिल वाला आइकॉन पे क्लिक करके वापस एक और नाम लिखना है छोटा इधर नीचे में। तो यहाँ पर लिख दिया और ओके पे वापस क्लिक किया और वापस यहाँ से इसको यहाँ से साइड में लगा दिया। उनके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, इस पर भी हम फॉन्ट को ऐड करेंगे। यहाँ से फॉन्ट पे हमें क्लिक किया, फॉन्ट यहाँ पर ओपन हो गई और यहाँ से हमें यहाँ पर उसी फॉन्ट को सेलेक्ट करना है जो पहले वाला लिखा था, मैंने वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उनके बाद में कुछ इमेजेस लगाएंगे हम, इस प्रकार से इसको सेटिंग कर देते पहले और यहाँ से इसको भी लॉक कर देते हैं। वैसे प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करके फॉर्म गैलर पर क्लिक किया, यहाँ से गैलरी ओपन हो गई। यहाँ से ये फोटो के इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इस प्रकार से हमें यहाँ पर लगा देना है इस प्रकार से। उनके बाद में वापस लॉक कर देते हैं इसको भी और भी हमें ऐसे इमेजेस लगा देते हैं जल्दी से। यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस मैं यहाँ पर डाउनलोड करके रखा, तो वो मैं जल्दी से यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर लाइट वाला, यह वह कार वाला, क्योंकि यह एक गेमिंग चैनल का बैनर बना रहा हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इमेजेस हमें यहाँ पर डाल दूँगा। तो इसी प्रकार से इसे लॉक करते जाएंगे और हमें हमारी फॉरम गैलरी पे क्लिक करके यहाँ पर गैलरी से इमेजेस लेते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ये वाला इमेजेस सेलेक्ट किया। उनके बाद में इसको भी यहाँ पर सेटिंग कर देते हैं। इस तरह से हमें सेटिंग कर देना और उनके बाद में और हमें इमेजेस सेलेक्ट करना है थोड़ा यहाँ से इस प्रकार से। इसको भी लॉक किया और यहाँ से हमें इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से बाइक का इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, वो बाइक का इमेजेस इस प्रकार से हमें सेलेक्ट किया और इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। इसको यहाँ पर लगा देते हैं इस प्रकार से। उनके बाद में हमें सभी रेडियो इसका भी लॉक कर देते हैं। अब हमें ब्लैक वाले की इमेज को हटाने कोने में आइकॉन बने, इस पर हमें क्लिक करना है, ऊपर में स्क्रॉल करना है और डिलीट बॉक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ये वाली इमेज डिलीट हो गई। यहाँ से आप देख सकते हो हमारा बैनर बहुत ही शानदार बन गया है। तो अब हम इसको सेव करेंगे, ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव टू गैलरी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से ये सेव हो गया है हमारी गैलरी के अंदर। तो इस प्रकार से हम बैनर बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।